इसलिए मैंने बता दिया। ये शुगर इंडस्ट्री है, एक तरह से एग्रो बेस इंडस्ट्री है, और कहीं ना कहीं 50 मिलियन लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली शुगर केन फार्मर्स हैं। अराउंड 5 लाख जो वर्कर हैं इसमें एम्प्लॉयड रहते हैं। देखो 5 लाख वर्कर को एम्प्लॉयमेंट भी देती है। इंडिया इज़ द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसर है आफ्टर ब्राज़ील। तो ब्राज़ील गाना सुना है ना, तो वहाँ पे क्या है, क्लाइमेट बहुत जो बिल्कुल इक्वेटर पे आता है। आपको बताऊँ इक्वेटर पे नमी और गर्मी दोनों होती है, तो जो सुक्रोस होता है उसके अंदर शुगर केन के अंदर, उसकी जो कैपेसिटी थी ज़्यादा होती है। यानी 1 किलो आपने गन्ना लिया उसमें से 1 लीटर जूस निकल रहा है नॉर्थ में, क्योंकि नॉर्थ में ठंड पड़ती है, ड्राई डेज रहते हैं, हॉट एंड ड्राई या कोल्ड एंड ड्राई। तो ड्राई में जो कंटेंट होता है सुक्रोज का कम हो जाता है, पर जहाँ ह्यूमिडिटी रहती है वहाँ पे वो उसका जो कंटेंट है 1 किलो में 2 लीटर निकल सकता है। एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तो सुक्रोज ज़्यादा निकलता है, उसी से सब कुछ होता है, उसी से एथेनॉल बना लो, सुक्रोज से इसे चीनी बना लो, कुछ भी, तो सारा कंटेंट यही है। इसलिए ही मेन रीज़न है जो शिफ्टिंग हो रही है नॉर्थ से साउथ में जा रही है इंडस्ट्री शुगर की, यही एक मेन कारण है। तो उसमें से प्राइस डिटरमाइन ऑफ द शुगर केन कैसे होता है, एक फेडरल गवर्नमेंट भी करती है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है और स्टेट गवर्नमेंट भी करती है। थोड़ा आपको ओवरव्यू देता हूँ, जो इसमें क्या होता है कि इसमें शुगर केन में MSP नहीं मिलती, इसमें होता है फेयर रिम्यूनरेटिव प्राइस, FRP बोलते हैं इसको। देखो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि FRP कितना रखना है, उसमें भी कैसे सिस्टम चलता है, उसकी एक बॉडी होती है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसिंग, CACP, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर आती है। ये उसके फेयर प्राइसेज रिमिनेट करके आगे फॉरवर्ड करती है कि 100 रुपये रखने हैं, और ये आगे फॉरवर्ड करती है किसको, कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, जिसको प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं। यहाँ से फिर फाइनल करके इन्होंने पास कर दी, ये तो रिकमेंडेड करेगी, किसको रिकमेंडेड करेगी, कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर को, फिर प्राइम मिनिस्टर उसको कर देंगे ठीक है, इन्होंने ठीक रिकमेंडेड किया तो इसको आगे भेज दो। तो इन्होंने 100 रुपये आगे भेज दिए कि 100 रुपये प्राइस रखो गन्ने का, फिर वो जाता है स्टेट के पास, स्टेट क्या करती है कुछ उसमें प्राइसेस अपने भी ऐड कर देती है, यानी कि हम देंगे 50 रुपीज़ हम भी ऐड करेंगे, तो 150 रुपीज़ का हो जाता है फिर वो। तो ऐसे पूरा सिस्टम चलता है गन्ने का, क्योंकि मुझे तो पता ही है सब कुछ, गन्ने की पर्ची आती है उसमें लिखा होता है 1 रुपये क्विंटल, स्टेट का फेडरल इतने किया, स्टेट ने इतना बढ़ाया, सब लिखा होता है उसके अंदर। तो ये कुछ रहता है, स्टेट की एडवाइजरी प्राइस रहता है, वो अनाउंसेस करता है शुगर केन के प्रोड्यूस, अनाउंस कौन करता है, वो स्टेट की एडवाइजरी प्राइसेस करता है, ठीक है ना। जनरली हायर देना FRP, हायर तो रहेंगे भैया, अगर 2 रुपये भी स्टेट गवर्नमेंट ने ऐड किया तो 102 रुपये हो जाने हैं ना, 50 किए तो 150 हो जाने, तो जनरली हाई ही रहते हैं। अब ये थोड़ी करेगी 100 रुपये सेंट्रल ने दिए ये क्या करेगी 50 रुपये कम कर देगी, 50 रुपये ही रखेगी, ऐसे नहीं होता। सेंट्रल जितने पैसे पीछे से दे रही है आप उसे कम नहीं कर सकते, उसमें बढ़ा के कुछ देना चाहते हैं योगदान तो कर सकते हो। तो ये सारा काम ये होता है। CACP जो बॉडी है, एग्रीकल्चर कॉस्ट प्राइसिंग अथॉरिटी, अटैच है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फैमिली फार्मर वेलफेयर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। इसको मतलब जो एक्सिस्ट किया गया था 1965 में बनाया गया था, एक एडवाइजरी बॉडी है जो रिकमेंडेड करती है, ठीक है, गवर्नमेंट को, और जो रिकमेंडेशन ही भेजती है आगे इकोनॉमिक कमेटी को, इकोनॉमिक अफेयर कमेटी को जो भेजती है, वो बाइंडिंग नहीं रहती है, वो बाइंडिंग नहीं होती है। उसमें भी दोबारा से जो प्राइम मिनिस्टर के अंदर जो कमेटी है इकोनॉमिक अफेयर, वो बोलते हैं दोबारा से रिव्यू करके दो, तो दोबारा से रिव्यू करके भेजते हैं, कोई बाइंडिंग नहीं मानी जाती है। अब बात उठती है MSP कैसे होता है। देखो MSP क्या, गवर्नमेंट परचेज करती है क्रॉप, कहाँ पे करती है, APMC मंडीज में। अगर कोई बहस करना चाहता है 3 बिल पे, ऐसा उसको समझा दूंगा ना जिंदगी में नहीं भूल पाएगा, और बोलेगा हाँ गलत है कहीं ना कहीं, कुछ ना कुछ फ़ायदा भी है उनको, छोटा कम फ़ायदा ज़्यादा नुकसान है, वो बाद में बताऊंगा कभी। तो APMC मंडी के अंदर ही आपको MSP मिलती है, कहीं सड़क पे खड़ोगे MSP मत मांगना, वो APMC मंडी के अंदर ही मिलेगी आपको MSP। तो ये सारी चीज़ें किसान जब भी तो लड़ रहे हैं कि आप प्राइवेटाइजेशन आपको कर दिया है मंडियों का, अब इसमें कोई नहीं बैठेगा, सब बाहर से खरीद लेंगे, MSP की गारंटी कौन देगा, MSP की गारंटी कौन देगा, आप कानून बनाओ कि MSP की गारंटी रहे, बाहर भी MSP में खरीदी जाए, तो ये किसान चाहते हैं। तो यही पे बात है, MSP की गारंटी यहीं से उठती है। तो फार्मर जो कुछ भी कर रहे हैं, 1.5 times ऑफ द कॉस्ट प्रोडक्शन, ये सब चीज़ चलती है, आगे बताऊंगा। MSP का एक तो मिनिमम प्राइस है कि इतने रुपए आपको देगी, चाहे आप गवर्नमेंट को अगर बेचोगे तो इतने रुपए आपको मिलेंगे ही मिलेंगे सपोर्ट के रूप में, उससे कम नहीं मिलेंगे। देखो कहीं कहीं आपने सुना होगा 22 crop मैंडेटरी क्रॉप है MSP के अंदर, कभी कहीं 23 भी हो सकता है, तो आप देख लेना कहीं पे 23 भी है, कहीं पे 22 भी है। अब ये कौन है, एग्रीकल्चर जो कॉस्ट प्राइसिंग रिकमेंडेशन करती है, MSP भेजती है, और फेयर प्राइस भी यही भेजती है, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया शुगर केन के होते हैं, ये आगे किसको भेजती है, ये भेजती है आपको 14 खरीफ क्रॉप की है, 6 रबी क्रॉप की है, 2 कॉमर्शियल क्रॉप की है, तो ये भी याद रखना। ये अपनी जो प्राइसेस भेजती है ये आगे फॉरवर्ड करती है, किसको फॉरवर्ड करती है अपनी रिकमेंडेशन, वही जो आपकी कमेटी थी, कौन सी कमेटी थी आपकी,
मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की, सॉरी वो कहाँगी आपकी कमेटी, ये तो रिकमेंडेशन भेजते हैं, किसको भेजती है, कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर को, इकोनॉमिक अफेयर जो पीएम हेड करते हैं, फिर वो आगे एमएसपी अलाउंस कर देती हैं वो, तो वो आगे एमएसपी अनाउंस कर दी जाती है। तो ऐसे काम इनका भी सेम काम चलता है जैसे फेयर प्राइजेज होता है, बट डिफरेंट क्या है, फैक्टर ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ एमएसपी, एमएसपी किसी तरीके से काउंट किया जाता है, बहुत सारी चीज़ों को ऐड किया जाता है, सरप्लस डिमांड सिचुएशन को, प्राइस मार्केट थ्रेट को, इन्फ्लेशन कितना है, ये सब चीज़ों को देखते हुए एमएसपी काउंट किया जाता है, इन्वायरमेंट सॉइल वाटर बहुत सारी चीज़ों को काउंट किया जाता है। जो की प्रोडक्शन कॉस्ट है, देखो पहले मैं आपको बताता हूँ A2 क्या होता है और A2 में भी A2FL क्या होता है और C2 क्या होता है, पहले आपको ये समझना है। इसी के बेस पे MSP काउंट की जाती है, ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है मैच द फॉलोइंग के अंदर आपको, तो ये पूछ के फिर आगे जब ये पूरी कॉस्ट निकाल लेते हैं तो ये अपनी रिकमेंडेशन कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमी अफेयर को भेजते हैं, ये यूनियन गवर्नर मिनिस्टर के अंदर होते हैं, इनका फाइनल डिसीजन होता है, जैसे मैंने आपको बताया लेवल ऑफ MSP कितनी रखनी है, फिर ये अनाउंस कर दी जाती है, बस CACP एक रिकमेंडेड करता है। अब मैं आपको छोटी सी चीज़ बताता हूँ ये होता क्या है। A2 क्या होता है कि कवर ऑल द कैश, ऑल द काइंड ऑफ एक्सपेंसिव, ऑयल सीड पे हो, फर्टिलाइजर पे हो, केमिकल पे हो, लेबर फ्यूल सब पे, जो एक सीड को लगाने पे जो भी लागत आएगी, जो भी खर्चा आएगा, वो A2 के अंदर रखा गया है। ठीक है, अच्छी बात है। A2 तो आपको पता लग गया। FL क्या होता है, फार्मर लेबर। ठीक है, एक्चुअली कॉस्ट जो होती है उसमें इनकर्ड किया थी फैमिली लेबर, सॉरी फार्मर लेबर नहीं फैमिली। अब मेरे अंदर 10 बंदे हैं, मेरी फैमिली सब काम कर, मेरी भी तो कोई इनकम होगी, अगर मैं वो काम किसी और के खेत में करूँ मुझे इनकम देगा, मैं अपने खेत में क्यों करूँ। ठीक है, तो एक फैमिली जो लेबर है मेरी, जो 10 फैमिली के मेंबर अपने ही खेत में काम कर रहे हैं, उसको भी आपको देखना है, तो वो FL को भी ऐड कर दिया गया इसके अंदर, तो A2 FL। चलो ठीक है, अब एक C2 का भी प्रावधान है। C2 में क्या होता है, क्योंकि मैंने कोई लैंड किसी के मतलब रेंट पे ली हुई है, फिक्स की हुई है कैपिटल एसेट पूरी, इंटरेस्ट मुझे किसी को देना है कुछ, तो उसको भी ऐड करो, तो C2 को भी ऐड किया जाता है, जो कंपाउंड वम्पाउंड इंटरेस्ट मान लो, एक तरह से मैंने कैसे याद रखा कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट तो इंटरेस्ट आ जाएगा इस पर, या लैंड का देना हो मुझे रेंट, या इंटरेस्ट देना हो, तो ये आ जाएंगे, तो उनको भी ऐड करो, तो इनको ऐड करके MSP निकाला जाता है। अब किसान क्या बोलते हैं, स्वामीनाथन कमेटी क्या बोलती है कि आपको 1.5 गुना C2 पे देना है, जब फाइनल निकालोगे तो C2 पे 1.5 गुना देना है। सरकार क्या करती है, A2 पे 1.5 गुना देती है, तो मतलब थोड़े कैलकुलेशन मतलब जो कम रखती है कम करने के लिए, तो वो रिकमेंडेशन है, वो बात की बात है, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट ने बोला था ऐसा, तो इन सब चीज़ों पे बात की जाती है। CAPS कंसिडर जो करती है वो A2FL एंड द C2 कॉस्ट वाइल द रिकमेंडेशन ऑफ MSP, तो इन सबको कॉस्ट करके वो करती है। स्वामीनाथन ने बोला था इस पे भी 1.5 गुना आप निकाल के दो, मतलब कि 1.5 गुना बढ़ा के प्राइस दो C2 के ऊपर, क्योंकि इन्फ्लेशन रेंट के बढ़ते रहते हैं इन सब चीज़ों में, पर आपने वो नहीं करती हैं। जो C2 कॉस्ट है यूज बाय द CAP प्राइमरी एज द बेंचमार्क रेफर टू कॉस्ट अपॉर्चुनिटी टू सी द MSP, मतलब इन सब चीज़ों को। तो आपको A2FL फार्म लेबर A2 के पता लग गया, C2 का भी पता लग गया, और गवर्नमेंट कैसे निकालती है MSP ये भी पता लग गया।